अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपसे निवेदन ये चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी पर बात रखें कि उस परिवार पे जो आर्थिक सहायता की मदद हो जाए उसके परिवार को, और उसके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि पत्नी आप देख रहे हैं 6 महीने का पेट है, पेट में गर्भ है। भाई साहब, मुख्य विषय ये इंदौर कृष्ण नगर में हुए दोहरे हत्याकांड से प्रभावित सेन समाज के मृतक विमल पिता देवकरण आमचा निवासी पेत्र गांव मीना तहसील आष्टा जिला सीहोर, और राहुल वर्मा पिता महेश वर्मा निवासी गंदरपुरी तहसील सोचकर जिला देवास मध्य प्रदेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और महिलाओं पर प्राण घातक तरीके से हमले किए। महिलाएं भी प्राण घातक तरीके से गंभीर रूप से घायल हो, वो पूरा परिवार मृतक और विमल दोनों मृतक परिवार राहुल और विमल पर आश्रित था। अतः दोनों युवकों की पत्नी विधवा महिलाओं को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए, वो उनके परिवार को भरण पोषण निश्चित हो, साथ ही परिवार को तत्काल 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, और सिक्योरिटी गार्ड के मकान को तोड़ा जाए और हत्यारों को फांसी दी जाए, ताकि इस प्रकार की घटना आगे से कोई भी समाज विरोधी व्यक्ति न कर पाए। मुख्यमंत्री तक बात जाएगी, इसीलिए हम आपके पास आए। बोले जैन जी महाराज की जय, जैन जी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, चलो इधर आगे 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 आ जाओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जेल समाज पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जेल समाज पे अत्याचार। भैया बताना, यहाँ पे बीजेपी कार्यालय आए थे, किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया? देखिए, तीन दिन पूर्व जो इंदौर में जो सेन समाज के दो युवकों को प्राणघात हमला करके गोली मार के जो हत्या कर दी गई है, उससे ये न्यूज आज मध्य प्रदेश के हर कोने में फैली हुई है, और इस प्रकार से समाज के ऊपर ऐसे प्राणघाती अत्याचार और हमले हो रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के पूरे सेन समाज में बहुत शोक की लहर छाई हुई है, और कहीं ना कहीं सेन समाज पूरा आक्रोश में है। तो आज हम भाई साहब से, जिला अध्यक्ष महोदय से ये हम निवेदन करने आए थे, उनको एक ज्ञापन देने आए थे कि सेन समाज के दो बंधु राहुल वर्मा और महेश वर्मा, ये विमल वर्मा, दो हमारे बंधुओं पर प्राणघात हमले हुए हैं, तो उनकी जान चली गई है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि दोनों के परिवार को 1-1 नौकरी मिले, 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले, और उक्त जो आरोपी है उसका मकान तोड़ा जाए। मृतक की पत्नी राहुल वर्मा की पत्नी अपने एक ही परिवार पर आश्रित था, उनका परिवार, जो कि उनकी आंख में भी छर्रे लगे हैं, वो गर्भवती पत्नी है उनकी, और उनकी आंख चली गई है। सेन समाज में एक कायराना घटना जो हुई है सेन समाज के ऊपर, उसके लिए पूरे समाज में रोष है, और हम ये मांग करने आए हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो आगे, अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आपका कहना है कि धाराएं भी कमजोर लगाई गई है? देखिए, धारा कमजोर लगाई थी, उसके बाद सेन समाज के प्रतिनिधि मंडल पूरे थाने का घेराव किया है, उसके बाद और धारा बढ़ाई गई है,
परंतु सिर्फ धारा बढ़ाई गई है, किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई मकान तोड़ने की अभी तक नहीं की गई है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इसमें सेन समाज को न्याय दिलाने में सहयोग करे, अन्यथा सेन समाज पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन पे उतरेगा और इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। आपका नाम? अनिल परमार, जिला अध्यक्ष सेन समाज। इंदौर में कल सेन समाज के परिवार के दो सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके संबंध में सेन समाज देवास द्वारा आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुझे देने आज भाजपा कार्यालय वो आए थे। निश्चित रूप से वो हृदय विदारक घटना जो इंदौर में घटी थी उसका मैं खेद प्रकट करता हूँ, मृत महात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सेन समाज को हमने आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही उस मृत परिवार को जो भी आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जाएगी इसे दिलाने के लिए निवेदन पत्र हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा।